नमस्ते नमस्ते। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। तो आप इसके पिताजी हैं? मेरे को आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और तुम तो बिल्कुल बीच में बोलना ही मत। आप बताइए, घर पे ये करता क्या है? घर पे पढ़ता रहता है पूरा दिन। अच्छा, पढ़ाई करता है और क्या करता है? कमरे से बाहर ही नहीं आता, पूरा दिन उसी के अंदर पड़ा रहता है। आपने क्या नाम बताया अपना? बबलू जी, आपका लड़का इतना हरामी है, इतना हरामी है, हमारी जान खा चुका है ये। अगर इसके कारनामे आपको बता दिए ना, तो पहले आप दो थप्पड़ मेरे मारोगे और फिर बाद में अपने। आप समझ रहे हो कि मैं आपसे कितनी गंभीर बात करने वाला हूँ? पिछले हफ्ते क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? चाहे ठीक है। अरे मलाई हटाओ, उसमें से दही बल्ला लग रहा है वो। जल्दी लेके आओ। 3 दिन पहले हमने सारे बच्चों से एक फार्म भरवाया। उस फार्म में इनको अपना नाम और सेक्स लिखना था। अब नाम के आगे इसने अपना नाम लिख दिया। अब सेक्स के आगे हम और आप मेल या फीमेल लिखेंगे। जी जी जी, इसने सेक्स के आगे लिखा करवा दो। करवा दो क्या करवा दो? ओह नो। अरे ये उम्र है धार्मिक चैनल देखने की, स्पोर्ट्स देखने की, कार्टून्स देखने की। अरे देख क्या रहा है? अभी पिछले हफ्ते की परीक्षा में हमने सारे विद्यार्थियों से एक आसान सा सवाल पूछा, अगर अरुण की बीबी का नाम सरिता है तो उनका भाई उनको क्या कह के बुलाएगा? जी, आपका लौंडा कह रहा है सविता भाभी कह के बुलाएगा। बबलू जी घर पे क्या देख रहा है? सर मेरे क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट था। तो 40 बच्चों की क्लास में सिर्फ तुम्हारा ही पेपर मिसप्रिंट था, वो भी सविता भाभी के नाम से? इसके साथ के दो लौंडे, उनका भी सेम आंसर था। तो मतलब तुम तीनों के पेपर में ही गड़बड़ी थी। अगर एक बंदे को पेशाब लगा है तो बाकी दो क्यों जाते हैं पीछे पीछे इसका धोने? उस दिन इंग्लिश की क्लास में लिखा था कूल ब्रीज, आपके लौंडे ने लिखा कूल ब्रेजर्स। जब भी मैं इसकी आंसर शीट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं प्ले बॉय की मैगजीन पढ़ रहा हूँ। हर जगह बस अश्लील चीजें लिखी हुई हैं। ऐसा क्या देख रहा है? उस दिन जब मैंने तुमसे कहा कि इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, तो तुमने क्या किया? इसको मैंने कहा जॉनी को अपना काम अच्छा लगा तो वो करता ही गया, वो अपना काम करता ही गया। ने क्या बोला? जॉनी लाइक्ड हिज वर्क एंड डन डना डन डन। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी गार्ड से टीचर की नौकरी मिली है हमको। मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसे समझाइए। चलिए आप बताइए, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा तो दूसरा किसने रखा? जी नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा होगा। क्यों? अब लंगड़ी करते थोड़ा वहां पे जाएगा। माना कि इस टाइम थोड़ा हॉर्नी फील कर रहा है, ये मौसम ही ऐसा है। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा कभी कभी हॉर्नी फील करने लगते हैं। उस चक्कर में हो सकता है कि घर का माहौल थोड़ा बिगड़ गया हो, इसलिए वो पढ़ नहीं पाया हो। वैसे लड़का मेरा होना रहे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जाइए जाइए, चलिए। खानदान है क्या है ये? अरे चाय पिलाओगे?